अभी मैंने एक रिपोर्ट पढ़ा था कि पाकिस्तान में जो बच्चे मरते हैं उसमें से 40% बच्चे, मरने वालों में से 40% मरने का कारण ये था कि वे खाने से पहले हाथ नहीं धोते हैं। अब ये स्वभाव सिर्फ पाकिस्तान का ही होगा था नहीं, हम भी तो वही हैं, वो क्या अलग हैं? हमारी तो पुरानी विरासत तो एक ही है। और इसलिए हमारे देश में भी गरीब बच्चे, और इसलिए अभी मैं मध्य प्रदेश सरकार को बधाई देता हूं, उसने एक बड़ा अभियान चलाया, बच्चों को सामूहिक रूप से साबुन से हाथ धोने का कार्यक्रम किया, और उन्होंने ग्रीनिज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया है कि एक समय में एक साथ लाखों बच्चों ने हाथ धोए। एक बहुत बड़ा वर्ग है जिसको लगेगा क्या हो रहा है कि ये सब देश के लिए करना, ये देश यहीं से शुरू करना पड़ी, आवश्यकता पैदा हुई, यहीं से शुरू करना पड़ी, आवश्यकता पैदा हुई। और इसलिए हम इन दिशा में कैसे, अभी मैं यूनाइटेड नेशन में गया था, पहली बार मुझे बोलने का मौका मिला, और मैंने एक बात कही कि क्यों ना हम इंटरनेशनल योगा डे मनाएं। मैं लगा हूं पीछे, हो सकता है कि यूएन इसको स्वीकार करे। होलिस्टिक हेल्थ केयर पूरे दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ा आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। अच्छे से अच्छे डॉक्टर भी होम्योपैथी की ओर जा रहे हैं, होलिस्टिक हेल्थ केयर का मूड बना है, स्ट्रेस युक्त लाइफ में से स्ट्रेस फ्री लाइफ की ओर जाने के लिए एक मूड बना है। और दुनिया को सही चीज कैसे मिले, अगर हमारे पास है विरासत है तो उसको कैसे दिया जा सके, उस दिशा में अगर हम प्रयास करते हैं तो हम अपना तो कल्याण कर ही सकते हैं लेकिन औरों का भी कर सकते हैं। आज भी विश्व में भारत के डॉक्टरों की इतनी प्रतिष्ठा है कि जिन देशों में भारतीय डॉक्टरों का अनुभव है, परिचय है, थोड़ी बहुत जानकारी है, वहां के पेशेंट्स इस बात में हमेशा इच्छुक रहते हैं कि ऑपरेशन थिएटर में जाने से पहले कोई न कोई इंडियन डॉक्टर का चेहरा उसको दिखाई दे। जिस पल वो इंडियन डॉक्टर का चेहरा देखता है उसका कॉन्फिडेंस एकदम से बढ़ जाता है, उसको लगता है अब चिंता नहीं है, अब शरीर उसको सौंप दो। ये इज्जत हमारे डॉक्टरों ने अपने कौशल से प्राप्त की है, हमारे अपना ये कौशल्य है। और मेडिकल साइंस में हम नए नहीं है, अब नीता बहन धनवंतरी की बात कर रही थी, हमारे देश में एक जमाना था गांव में एक वैद्यराज हुआ करते थे और पूरा गांव स्वस्थ होता था, बीमारी गांव में घुस नहीं सकती थी, एक वैद्यराज। आज हर क्षेत्र की स्पेशलाइज है और मुझे लगता है आने वाले दिनों में ये स्पेशलिटी इतनी आगे बढ़ने वाली है कि बाएं हाथ का स्पेशलिस्ट ही अलग होगा, दाहिने हाथ वाला अलग होगा, राइट आई को कोई और देखता होगा, लेफ्ट आई को कोई और देखता होगा, यहां तक हम आगे बढ़ने वाले हैं। एक वैद्यराज क्या कारण था कि पूरे गांव को स्वस्थ रखता था, इतनी स्पेशलिटी होने के बाद भी हम और न और संकटों से गुजर जा रहे हैं। हमें प्रिवेंटिव हेल्थ केयर पर अगर बल दें, हमारी लाइफस्टाइल पर बल दें, हम खुद अपनी लाइफ को रिस्पेक्ट करना शुरू करें तो हो सकता है हमें इन प्रकार की व्यवस्थाओं की आवश्यकता खड़ी ही न हो। और ये सब संभव है, मुश्किल काम नहीं है। मेडिकल साइंस की दुनिया में हम गर्व कर सकते हैं, हमारा देश किसी समय क्या था। महाभारत में कर्ण की कथा आती है, हम सब कर्ण के विषय में महाभारत में पढ़ते हैं, लेकिन कभी हमने थोड़ा सा और सोचना शुरू करें तो ध्यान में आएगा कि महाभारत का कहना है कि कर्ण मां की गोद से पैदा नहीं हुआ था। इसका मतलब यह हुआ कि उस समय जीनेटिक साइंस मौजूद था, तभी तो कर्ण मां की गोद के बिना उसका जन्म हुआ होगा। हम गणेश जी की पूजा करते हैं, कोई तो प्लास्टिक सर्जन होगा उस जमाने में जिसने मनुष्य के शरीर पर हाथी का सर रख करके प्लास्टिक सर्जरी की प्रारंभ किया होगा। अनेक ऐसे क्षेत्र होंगे जहां हमारे पूर्वजों ने बहुत बड़ा योगदान दिया है और कुछ बातों को तो हमने स्वीकार किया है। आज अगर स्पेस साइंस को देखें
तो हमारे पूर्वजों ने स्पेस साइंस में बहुत बड़ी ताकत दिखाई थी किसी समय। उस समय सदियों पहले आर्यभट्ट जैसे लोगों ने जो बातें कही थी, आज विज्ञान उसको स्वीकार करने में सफलतापूर्वक उसकी उसकी मान्यता हो गई है। कहने का तात्पर्य एक वो देश है जिस देश के पास ये सामर्थ्य रहा था, इसको हम दोबारा कैसे रिगेन करें। जैसे अस्पताल का कायाकल्प हुआ है, भारत का कायाकल्प भी संभव है, और उस सपनों को पूरा करने के लिए अगर हम प्रयास करते हैं, और मुझे विश्वास है कि जिन इनिशिएटिव को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं, और मैं जब ये बातें कहता हूं तो मैं एक बात साफ करता हूं, मैं उस सोच का इंसान नहीं हूं जो ये कहे कि पहले की सरकारों ने कुछ नहीं किया। मैं ऐसी सोच रखने वाला इंसान नहीं हूं। हर एक ने अपने अपने कार्यकाल में कुछ न कुछ अच्छा काम किया है। जिस समय जिसकी जिम्मेवारी है, उसने और अधिक उमंग के साथ और अधिक नई सोच के साथ उस काम को आगे बढ़ाना होता है। हमारी कोशिश है कि अगर देश को आगे बढ़ाना है तो सरकार सब कुछ करेगी, इस विचार से बाहर आना होगा, सबने मिलकर के कुछ करना होगा, तब जाकर के देश आगे बढ़ेगा। और ये सब कुछ संभव है, 125 करोड़ का देश है, क्या कुछ नहीं कर सकता है। जब मैं मार्स की बात करता हूं, अगर मुंबई के अंदर ऑटो रिक्शा में जाना है तो 1 किलोमीटर का खर्चा 10-12 रुपया होता होगा। हम मार्स पर गए, 7 रुपया किलोमीटर का खर्चा आया। ये हमारे वैज्ञानिकों की इतनी ताकत है, और वो 7 रुपया खर्चा आया, लेकिन वो तो आने वाले कई वर्षों तक अपना काम करने वाला है, वो जाकर के सोने वाला नहीं है। कहने का तात्पर्य है कि देश में जो बहुत ऊर्जा है, सामर्थ्य पड़ा है, उस सामर्थ्य को लेकर के हम आगे बढ़े और इस देश की सोच देखिए। टुडे ऑन बिहाफ ऑफ द रिलायंस फाउंडेशन आई मेक टू यू टू कमिटमेंट्स।